के मौसम की अगर बात कर दी जाए तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। आप देख सकते हैं क्या मस्त मस्त बादल लगे हुए हैं चारों तरफ। तो बताए किस खुशी में बांट रहे हो आपका लो? किसका लड़का है भोलू भाई? तो इसको क्या बोलेंगे हम? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। जहां भी होंगे तो हम भी एकदम चकाचक है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है और आज के व्लॉग की शुरुआत हमारी होती है 12 बजे से, मतलब 1 बजने वाले है लगभग। तो आप सोच रहे होंगे इतना लेट व्लॉग मैंने आज स्टार्ट किया है, तो इसका रीज़न यही है कि मैं सुबह से जो अभी मैंने पिछला व्लॉग अपलोड किया है मैं उसको एडिट कर रहा था, उसके बाद मैंने उसको अपलोड किया और अब जाके मैं नया व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। और हमारी आज की दौड़ हो रही है नीचे मंदिर की तरफ। आपको पीछे मंदिर दिख रहा होगा, भोलेनाथ मंदिर। तो आज मंदिर में भंडारा है एक, तो भंडारे में शामिल होने के लिए हम भी जा रहे हैं नीचे मंदिर की तरफ। मैंने सोचा मंदिर के भी दर्शन भी हो जाएंगे और भंडारे में भी शामिल हो जाएंगे हम। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ नीचे मंदिर की तरफ। और आज के मौसम की अगर बात कर दी जाए तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। आप देख सकते हैं क्या मस्त मस्त बादल लगे हुए हैं चारों तरफ। मौसम तो प्यारा हो ही रखा है, उसी के साथ ठंड भी एकदम भयंकर वाली हो रखी है गांव में। भाई साहब क्या ही बोलें, ठंड की तो ठंड ने तो हालत ख़राब कर रखी है। सुबह से बादल लग रखे थे और धूप का तो नामो निशान नहीं था, अब जाके बादल थोड़े से छांटे हो रखे हैं, अब जाके धूप आ रही है, तो वो भी थोड़ी बहुत धूप आ रखी है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीम गुसाई पे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, जो कि एक खूबसूरत बात है। और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको देखने को मिले और सबसे पहले आपका मनोरंजन हो हमारी वीडियो से। तो चलिए फिर दोस्तों चलते हैं। आज तो भाई साहब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही है मंदिर में, तो गाड़ियाँ तो काफ़ी ज़्यादा आ रखी है मंदिर में, तो भीड़ भी उसी हिसाब से होगी। तो हम पहुँचने वाले हैं, बस हमारे गांव से तो 5 और 10 मिनट का रास्ता रहता है मंदिर का। तो चलिए पहले आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे और उसके बाद कौन कौन लोग जान पहचान के आ रखे हैं तो उनसे भी मिलवाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। जय हो। तो अभी फिलहाल महिलाओं का कीर्तन भजन चल रहा है और यहाँ पे ताऊजी लोग खाना बना रहे हैं और इसके बाद सारे लोग खाना खाएंगे। तो चलिए मजा आ रहा है और मौसम तो अल्टीमेट हो ही रखा है आज का। तो चलिए फिर आप खाना खिलाते हैं लोगों को और तब आगे मिलते हैं हम आपको खाना खिला के। तो धीरे धीरे सारे लोग आ चुके हैं और पूरी भी कंप्लीट हो चुकी है बनके और खाना तो बन ही चुका है फिलहाल जो भी है। तो चलिए फिर इनको खाना खिलाते हैं आप। और चीज़ें यहाँ पे अपनी काफ़ी फास्ट सर्विस देते हुए। जी जल्दी बने काम, जी जखने बोलो खाना बाण लई छ आज। चिंतू वो बोला कि जो मतलब कते नहीं, मतलब जो कते नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, तू भी तो खा यार, तू भी तो खा। अब सीधे खाने साथ तो मतलब नानी खाए, नानी खाए, आज तो तू पूरी के तू आज तभी। तो दोस्तों फाइनली सबने खाना खा लिया है और हमने सबको खिला भी लिया है और अब हमारी बारी आ रही है। तो अब मैं खाना खा रहा हूँ
और खाने में आज है छोले पूरी और सब्जी। कुछ इस तरीके का आज खाना बना हुआ था भंडारे में, तो सारे लोगों ने मस्त करके खा लिया है और हमने सबको अच्छे तरीके से खिला लिया है और अब हमारी बारी है, तो अब हम खाना खाते हैं और मिलते हैं आप आपको बाद में। तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और हम मंदिर से तो आ चुके थे और अभी काफी अड़पट लग रहा है, काफी ज्यादा ठंड हो रखी है। ओ चा का बटियाना है, पता नहीं किसकी बकरिया है, शायद चाचा जी के। ओ यहाँ पे ढेबरू भी, ओ माय गॉड। अच्छा तो ये चाचा जी की है। हाँ चाचा जी कहाँ से ला रहे हो तुम ये बकरिया? घर से। तो अभी भोलू आ रखा था, बल खेलने के लिए चलते हैं। हमने बोला भाई चलिए, फिर आजकल हमारे मैच भी चल रहे हैं क्रिकेट मैच, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इन कैरिन हेलो, ऐसे बोल कैसे हो, खेले चल हेलो। तो ये मेरी दादी जी है और भोलू मास्टर भी आ चुका है। क्या करना छो, काय की गुड़ाई चल रही है ये? अच्छा मसूर की। तो यहाँ पे दादी मसूर की गुड़ाई कर रही है। आजकल गांव में काफी खेती हो रही है हमारे गांव में, तो चले फिर अब हम खेलने के लिए चलते हैं। चले चले फिर। तो ये रहा हमारा छोटा सा ग्राउंड, कभी हम इस ग्राउंड पे वॉलीबॉल खेला करते थे लेकिन अब कोई गांव में है नहीं, तो अब हम यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि हमारा क्रिकेट ग्राउंड उधर था तो उधर झाड़ियाँ हो रखी है, तो ये फिलहाल अभी साफ है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव गेम खेलते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूअस रखते हैं। ओह माय गुडनेस, कुछ इस तरीके से सिक्स मारेंगे हम मैचों में। तो दोस्तों खेल के भी हम आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है, 6 बज चुके हैं शाम के। तो बताए किस खुशी में बांट रहे हो आपका लियो? जा रखी थी। अच्छा मैं से आ रखी है। अम्मा से आ रखी है। तो हमारी चाची जी मैं जा रखी थी और मैं से आके अब हम कलियो बांटेंगे पूरे गांव में। हमारे लिए कहाँ है? तुम्हारे लिए अंदर है, अंदर दोनों है? के लिए अंदर। अच्छा। है आ सुनो, अंदर है और अंदर आना, दोनों के दोनों, और चाय पी के भी चले जाना, ठीक है? और एक लड्डू और एक लड्डू, एक मट्ठी भी है। मट्ठी भी है और क्या क्या है? रसगुल्ले नहीं है? अरे रसगुल्ले तो तब मैं तो खिलाऊंगी तुमको, ये है ये। अच्छा। ये क्या देख ये वो कानू है, ये क्यों और ये लड्डू, ठीक है? ठीक है फिर हमारी व्यवस्था रखना, ठीक है? चलो ठीक है फिर दोस्तों, चलते हैं अब हम चलो बांटने के लिए। लो भाभी जी, लो भाभी जी आपके लिए मैंने लड्डू और क्या है मेठी पटरी लेके आए हो। भाभी जी शर्मा रही है कि बल मैं अभी सजधज नहीं रखी हूँ। तो दोस्तों बांट लिया है हमने पूरे गांव में, बस एक दो मुंह बच रखे हैं अभी और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से घर, पीछे हमारा गाँव है, तो मज़ा आ गया। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कलियो बाट के और अभी पहुंचे हैं हम घर पे, और दादी ने देखिए मुझे क्या क्या दे रखी है, पकौड़ी मिठाई और ये स्वालू बोलते हैं इसे, तो ये चाची के गांव से आ रखा है, तो दादी ने मुझे दिया है खाने के लिए। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग की भी एंडिंग करते हैं, आई होप आपको मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, बाय।